हमारे लिए एक लड़की देखी है जिसके नाना क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, डैड सेलेक्टर हैं। तुम शादी के लिए रजामंद हो जाओ ना, क्रिकेट बोर्ड में खेलने का चांस मिल जाएगा। अभी शक्ल देखी है तुमने, लारा का 500 रन का रिकॉर्ड तोड़कर आ रहा हूँ। मैं यहाँ क्या तोड़ू, बाहर कोई लोग पकड़ने आए आपको। ऑस्ट्रेलिया क्या मैं लेट कर जाऊंगा? तैर कर, हमारे मोहल्ले में भी ना बिल्कुल ऐसा मासूम है। उसके कितने बच्चे हैं? पूरे 9। क्या क्या हुआ, किसी लेडी डॉक्टर का फोन था? अख्तर कॉलोनी शिफ्ट हो जाओ, अख्तर कॉलोनी। तो फिर मैं सौदा पक्का समझूं? उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया। हेलो मम्मी। हेलो। ये बताइए अखबार में देख के कैपरी पे कौन सी फिल्म लगी हुई है? इडियट, मैंने अपनी एनजीओ का ऐड दिया था, वो चेक कर रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हें पाकिस्तान टीम ने फिर सेलेक्ट नहीं किया? शामिल कर लिया था मम्मी, लेकिन छोटे बच्चों ने ना ऑब्जेक्शन कर दी थी कि इतने बड़े बच्चे के साथ ना हम नहीं खेलेंगे। अब आप ही बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? और अगर मैं आज सिफर पे आउट ना होता ना तो सेंचुरी करता है सेंचुरी। ओ सैड। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ सिफर रह गया था, बाकी तो रन आपने बना लिए थे 100 के। फुट फुट चल अपना काम कर, हेलमेट उतार। वैसे जब मैं आपकी मालिश करता ना, ना ऐसे लगता है जैसे मैं आपकी मम्मा और आप मेरे बेटे हो। अबे यार, तुम्हें मालिश भी नहीं करने आती है किसी क्रिकेटर की है? ऐसे थोड़ी करते हमारे। तो मैं कौन सा खानदानी मालिशियां हूँ, जैसे आती है वैसे कर देता हूँ। एक मिनट इधर आके बैठ, मैं तुझे बताता हूँ कि मालिश करते कैसे हैं। अच्छा, ये देख ऐसे। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा इस साइड हाथ लगाना यार। हाँ, क्यों है ना, बूम बूम की तरह मेरा जारान अंदाज। इधर बीच में भी हाथ लगा। उठ, क्या हुआ? उठ, उठ, क्या हुआ? उठ, चल जाके मेरे लिए जूस बना, चल। अभी तो मजा आने लगा था। ए, वासुन। जी। मम्मी कहाँ गई? अपनी किस्मत को कोसने गई है, और कहाँ गई होंगी। क्या बकवास है। मेरा मतलब ये है कि बेगम साहिबा जिस लड़की से आपकी शादी कराना चाहती थी ना, उसने किसी मशहूर क्रिकेटर से शादी कर ली है। एक बात बता, मुझसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर इस मुल्क में और कौन है यार? कौन होगा बड़ा क्रिकेटर आपसे मशहूर क्रिकेटर? जावेद मियांदाद? नहीं नहीं, इमरान खान? नहीं नहीं यार, मोहसिन खान। ये बात तो कोई सिलेक्टर ही बता सकता है। निकल निकल जल्दी, फौरन निकल। मेरा निकलना ही बनता है अब तो। मम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम तो रोज किसी न किसी की सुनते रहते हो, आज ऐसी क्या नई बात किसी से सुन ली? मुझे सुनाया गया है कि मेरी शादी होने वाली है, जबकि आपको पता भी है कि मैं क्रिकेट से शादी कर चुका हूँ। मेरी मानो तो तुम क्रिकेट को तलाक दे दो, क्योंकि ना ही तुम क्रिकेट के बस में हो और ना ही किट तुम्हारे बस में। तुम्हारी शैलंटी का फोन है, तब तक तुम चाय का वक्फा ले लो। ठीक है। हाँ शैला, अब बताओ, तुमने सद्दीकी साहब को समझा दिया है ना कि वो सेलेक्टर बने रहे? क्या वाकई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं एक घंटे के नोटिस पर आ जाऊंगी। थैंक्स गॉड। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। मुझे पता था कि मेरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन जरूर होगी। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारी शैला आंटी ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है जिसके नाना क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं और डैड सेलेक्टर हैं। अगर तुम शादी के लिए रजामंद हो जाओ ना, तो मुझे तो बहू मिल जाएगी और तुम्हें क्रिकेट बोर्ड में खेलने का चांस मिल जाएगा। सोचो नहीं, बस जल्दी से चलने की तैयारी करो। मैं तैयार हूँ ना, चले। इसलिए मैं ओफो मम्मी, एक तो आप समझती नहीं है बात को, निकल पड़ती है रात को। अरे भाई, आपका बेटा जो है ना एक बहुत बड़ा अजीम क्रिकेटर है, उसको किसी वक्त भी चांस मिल सकता है खेलने का, इसीलिए हमेशा मैं किट में रहना बेहतर समझता हूँ। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वहां जाके हवा में चौके छक्के मारना शुरू नहीं कर देना, समझे? चले, चले चलो वो गेट। हाँ तो बेटा, क्या करते हैं आप? मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हूँ, बोले तो करके दिखाऊं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं अभी नहीं, अभी पहले मैच की डेट डिसाइड होने दो, फिर करके दिखाना है। वैसे ये बताओ, तुम्हारी फील्डिंग कैसी है भाई? 50-50 है। नहीं भाई, 50-50 से काम नहीं चलेगा, शादीशुदा मर्द को ना
फील्डिंग में जॉन्टी रोड से भी ज्यादा तेज होना चाहिए। जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा भी नहीं, ऐसा ही है। बात सुनो, अगर तुम्हारी बेगम तुम्हें सैंडल उछाल के मारे तो तुम उसे कैच करोगे या मुंह की खाओगे, बताओ? है ना मुश्किल। चलो फिर जल्दी से आज फील्डिंग की रिहर्सल शुरू कर दो। चलो भाई। सदीकी साहब, बहुत हो गया इंटरव्यू, अब जरा अपनी बेटी यानी कि हमारी होने वाली बहू को तो बुला दे। वो जो दरअसल बात ये है कि अरुषा शर्मा रही है आप लोगों के सामने आने से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ उसके कदों हाल। बात दरअसल ये है कि अरुषा का कद तो थोड़ा सा छोटा है, जब ऊंची हील की सैंडल पहनती है ना तो बिल्कुल बराबर हो जाती है। रंग उसका सांवला जरूर है, लेकिन बेशकीमत जेवरात पहनती है तो उसकी चमक दमक से उसका रंग निकल के सामने आ जाता है भाई। खुश खुराक भी है, सारा घर का ड्राई फ्रूट खा जाती है। अगर एक महीने वो अपनी खुराक पे कंट्रोल कर लेना तो 40 से 50 किलो वजन कम हो जाएगा। यूं अंकल, अंकल ये बता दीजिए, रूसा सांस तो लेती है ना? मेरे ख्याल से हमें आपकी बेटी पसंद है भाई साहब। तो फिर मैं सौदा पक्का समझूं? मेरा मतलब है कि रिश्ता पक्का समझूं? जी जी, मैं संडे को बारात लेकर आ रही हूँ। जुमे की बजाय संडे को? वो क्यों? क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगे भाई साहब? संडे का कह के आपने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। एक बात सुन ले, पहले बच्चे से कलमा सुनवा के मुझे मुतमईन कर दे। बेटा आप अंकल को तसल्ली करा दो, मैं जरा शैला का फोन सुन लूं। अरे छोड़ो उनको, तुम ये बताओ तुम्हें पहला कलमा आता है? अरे हाँ बाबा, सब ठीक है। बहुत अच्छा चल रहा है। सुनिए। हाँ बोलिए। हाय, एक दफा और सुनिए। अब बोल भी चुको, अब नहीं आने वाली मैं तुम्हारे यार। अच्छा इरफान, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या आगे? ओके बाय। बड़े भाई से बात हो रही है इरफान? तुम्हारा होगा बड़ा भाई। अपने भाई की तो बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से देखिए। अभी शक्ल देखी है तुमने? मुझे देखने के लिए ना मुंह धोकर आना पड़ेगा। रात बहुत हो गई है, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो सो गया। हाय अल्लाह, इरफान से सिर्फ एक घंटा बात की है, दोबारा ही कॉल कर लेती। हेलो, हाय इरफान, सो गया ये? वाह क्या बात है बाबा। क्या बात है, है? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं तैयारी की बात कर रहा था। कमाल तैयारी की है आपने। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड क्यों, अभी क्यों क्या बैटिंग पे मैं? नहीं नहीं, मतलब आपने तैयारी ऐसे की है कि आज तो सेंचुरी मारी मारी आपने। अरे इन्हें क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बैट्समैन आउट हो और ये अपनी बारी पर जाए। गुड शॉट। ये ताली क्यों बजा रहे हैं? शायद चौका लगा है। छक्का भी हो सकता है। जी नहीं, छक्का होता ना तो तालियां इस तरह से होती हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरे कमरे में नाश्ता ले आना। एक मिनट, एक मिनट, लगता है वो आउट हो गया, अपनी बारी पे जा रहे हैं। लानत देते हुए क्यों गए? उसने शॉट जो सही नहीं खेली थी तो लानत ही देंगे ना। बाबा जाने की तैयारी कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ बाबा, गुड शॉट। और जब ये आउट हो जाए ना तो इन्हें भी कमरे में भेजिएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बड़े दिनों के बाद तो इनकी बैटिंग आई है, अब रात तक छुट्टी। शाबाश बाबा। हाय हाय, अगर आप मेरी मिसेज हैं तो आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि मैं अभी अभी लारा का 500 रन का रिकॉर्ड तोड़कर आ रहा हूँ।
सारा का रिकॉर्ड आपने वॉशरूम में तोड़ दिया, अब मैं यहाँ क्या तोड़ूं? ये आप मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल हूबहू एक जैसा। थोड़ा सा उधर उधर देखना, उधर डिटो कॉपी वही। क्या डिटो कॉपी? मुझे भी तो बताया ना। आपको देखा तो, मुझे देखा तो 92 का वर्ल्ड कप याद आ गया। 92 के वर्ल्ड कप में और आप में कोई फर्क नहीं है। 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आया और ये वर्ल्ड कप मैं जीत के लाया। हाय, अब ये तो वक्त ही बताएगा जीत आपकी हुई या मेरी। वैसे मैं आपको किस नाम से पुकारूं? वो तो आपकी पुकार पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पुकार रहे। रुसा बेटा। अब जी मम्मी जी, तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? जी मम्मी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता नहीं आप कितने दिन खुश हैं। अल्लाह करे ये मेरी खुशी हमेशा कायम रहे। चलो जल्दी से खाने की टेबल पर आ जाओ, बहुत जोर की भूख लग रही है मुझे। इमरान सुनो, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मेरे हेलमेट जैसी। चले आपने, क्या आप मुझसे नाराज हैं? हाँ हूँ मैं तुमसे नाराज। नाराजगी की वजह तो बताए ना। तुमने कहा था तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे नाना, तुम्हारे अब्बू जो है वो सिलेक्टर है और तुम्हारे नाना जो है सदर है क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन अभी तक नाम नहीं बताया तुमने उनका। नाम? हाँ नाम तो है उनका। अब अरे हाँ, वो नाना जी ने मुझे कहा था कि मेरा नाम बेटा किसी को नहीं बताना। अबे लोग अपने ऐप छुपाते हैं, दूसरों के ऐप छुपाते हैं, तुम अपने नाना का नाम छुपा रही हो। अच्छा चलो ठीक है, अगर नाम नहीं बताना चाहती तो फिर एक काम करो ना, मेरी सिफारिश कर दो। हैं? हाँ हाँ सिफारिश तो मैं आपकी कर दूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन पहले आप अच्छे शोहरों की तरह मुझे घुमाएं फिराएं, मेरी खिदमतें करें। हैं? चलो ठीक है, चलो उठो सीवी चलते हैं, सीवी घुमा के लाता हूँ तुम्हें। अरे हाँ इमरान, वो मेरी स्लीपर नहीं मिल रही। वो बेड के नीचे ना हो तो निकाल दीजिए ना। अच्छा अच्छा बेटी, इमरान कहाँ है? मम्मी जी वो ना बेड के नीचे है। अच्छा बेड के नीचे से निकल आए तो कहना कि आकर मम्मी की बात सुन ले। जी ओह बेगम स्लीपर तो नहीं है अंदर। चलें कोई बात नहीं, वो मम्मी जी आई थी वो बुला रहे हैं, उनकी बात सुन। ओके बस सिद्दीकी साहब मुझे ये बताएं मेरा बेटा नॉर्मल तो हो जाएगा ना? अगर अरूसा ने उसे नॉर्मल होने का मौका दिया तो। देखिए सिद्दीकी साहब, इमरान आने वाला है, उसे ये नहीं पता चले कि आप डॉक्टर हैं, बस आप सिलेक्टर बने रहिएगा। आप बेफिक्र हो जाए मोहतरमा। लो आ गए। ओहो सिलेक्टर अब्बू आए। रुसा अब्बू को सलाम करो। किसके अब्बू को सलाम करूं? हाँ आदाब अब्बू जी। किसका अब्बू? वालेकुम आदाब, वालेकुम। चले आप ससुर और दामाद दोनों बैठ के बातें करें, हम अच्छी सी चाय बना के। हाँ आपकी चाय का इंतजाम करते हैं। अरे भाभी आपा, मुझे चाय के साथ आप बनाते हैं ना अपने हाथ से खच खच का बिस्कुट, वो जरूर भेजिएगा। अच्छा खचकार के वो तो बने पड़े, मैं भी भेजूं। हाँ तो भाई इमरान मियां, एक बात बताओ भाई, तुम्हारी क्रिकेट कैसी चल रही है? वैसे अंकल एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी बोलो बेटा। आदमी आप दो टके के नहीं है लेकिन कारीगर कमाल के हैं। हाँ। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी क्रिकेट कैसी चल रही है भाई? बस चलती जा रही है अंकल, पता है अपना मैं अगली करना भी जान गया। अगली? बेटा ये गुगली तो सुना था, ये अगली क्या होती है? अरे वेरी इजी अंकल, मैं ना बॉल हाथ में पकड़कर भागता हुआ आता हूँ और जैसे एम्पायर के पास पहुंचता हूँ ना, मैं मुंह से ना फौरन से उगल देता हूँ बॉल, और जो बॉल है ना डायरेक्ट विकेटों में जाकर लगती है। वेरी गुड बेटा। बेटा ये तुमने उगली सीखी कहाँ से? अपनी मम्मी से। वो जब गुस्से में होती है ना मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज उगलती है, ऐसे ऐसे अल्फाज उगलती है ना कि सामने वाले के पास ना जवाब नहीं होता। लाजवाब बेटा लाजवाब। वैसे अंकल एक बात बोलूं, अगर मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ ना
तो मेरा जिंदा रहने का ना कोई फायदा नहीं है दुनिया में। अरे बेटा मैं रिस्क लूंगा तुम्हें सिलेक्ट करने का, अगले माह हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, समझो तुम सिलेक्ट हो गए भाई। यार मुझे मुझे ना यकीन था, मुझे यकीन था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा कसम से। अरे ऑस्ट्रेलिया भेजने से पहले तुम्हारा टेम्परामेंट चेक करना होगा, आओ तुम्हें जहाज की सीट पे बिठाते हैं। जहाज की सीट? मैं समझा, आप मुझे चेक करना चाहते हैं कि जहाज में बैठकर मुझे डर लगता है कि नहीं, है ना? अरे बड़े समझदार हो, आ जा। चले चले चले। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। देखें कहीं से लग रहा है ये दुल्हन का कमरा, यानी कैसे पागल लड़के से मेरी शादी करवा दी है। खबरदार बहू कि मेरे बेटे को पागल कहा हो तो थोड़ा सा नफसियाती है, चल ठीक हो जाएगा। मम्मी जी कोई मासूम मासूम नहीं आपका बेटा, हमारे मोहल्ले में भी ना बिल्कुल ऐसा मासूम है। उसके कितने बच्चे हैं? पूरे 9। रूसा ये ठीक ही तो कह रही है, तुम इनके बेटे के लिए इतनी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। और वैसे भी तुम्हारे कौन से रिश्तों के अंबार लगे हुए थे हैं? जो कोई रिश्ता लेके आता था दोबारा पलट के वापस ही नहीं आता था, और अक्सर तो ये कह के चले जाते थे कि भाई हमारा बेटा बैंक में मैनेजर है, कोई आटे की बोरी उठाने वाला मजदूर नहीं। सही कहा तुमने शैला, आटे की बोरी। मम्मी जी मुझे माफ कर दे, मैंने आपके इमरान को पागल कहके आपका बहुत दिल दुखाया। आपका बेटा टीम में सिलेक्ट होगा, जरूर होगा, मैं करवाऊंगी उसे सिलेक्ट। चलो माफ किया, क्या याद करोगी, एक शाही खानदान की औरत ने माफ कर दिया। चलो भाई लेट जाओ। क्या लेट जाओ? ऑस्ट्रेलिया क्या मैं लेट कर जाऊंगा? नहीं तैर कर। लेकिन अंकल मुझे तो तैरना आता नहीं है। डूबना तो आता है ना, सिगरेट पीते हो? क्यों, क्या मेरे कान से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? बड़े मजाकिया हो तुम। वैसे एक बात सुनो, जल्दी से खड़ा हो जाओ भाई, उठो। क्यों? अरे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, पासपोर्ट बनवाना है ना। सच्ची में? मुच्ची में। Excuse me. हेलो जी, जी बात कर रहा हूँ इमरान, कमर्शियल की बात कर रहे हैं आप? अच्छा प्रोडक्ट क्या है? नहीं जी नहीं, मैं देखिए मैं शैम्पू और बिस्किट के अलावा ना कोई दूसरा कमर्शियल नहीं करता जी। और चार्जेस जो हैं जी मैं 5 करोड़ रुपए लेता हूँ जी। एक में होल्ड कीजिएगा, एक में मेरी बात करें ना। मैं पहले अपनी बात कर लूँ जी। जी देखिए 5 करोड़ रुपए लूंगा ना, 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। हेलो हेलो मुझे करवा देते ना मॉडलिंग, मुझे बहुत शौक है। तुमने मॉडलिंग करनी है? यार एक है तो दोस्त है, पाउडर बनाते हैं वो लोग, खुजली पाउडर, अगर बोलो तो बात करूं उनसे। देखिए अगर कॉस्मेटिक का ऐड हो ना तो फिर मुझे बताइएगा, वो मैं कर लूंगी। वैसे मैं आपको एक राज की बात बताऊं? अबे जाओ छोड़ो, राज की बात तो तुम कहाँ बताती हो। अरे नाराज क्यों हो रहे हो मेरे प्यारे क्रिकेटर? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना एक दफा कमर्शियल के ऑडिशन में बुलाया था। अरे जाओ जाओ, एक कमर्शियल में हाँ? अरे एक कमर्शियल में तुम कहाँ पूरा होगी, ये बेवकूफ ना किसी और को बनाना। किसी और को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा ये बताओ वो कौन सा कमर्शियल था जिसके लिए तुम्हारा ऑडिशन हुआ था? शायद किसी गाय सोप का ऐड था, पर फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट ही नहीं किया। हाँ पता है मुझे कि उन्होंने तुम्हें फाइनल क्यों नहीं किया। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें फाइनल करने से पहले ऑस्ट्रेलिया से ना गाय मंगवा ली थी और उसको फाइनल कर दिया शायद। हैं यू? ओह नो नो प्लीज नो मस्ती नो मस्ती। ए चू 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 चू। अरे ये कौन सा वक्त है नमाज पढ़ने का? ये नमाज नहीं पढ़ रहे? तो फिर क्या कर रहे हैं? इन्होंने अभी अभी सेंचुरी मुकम्मल की है। अरे हेलमेट तो उतारिए ना आप। क्यों उतारू? क्योंकि आपको मुरलीधरन बॉलिंग करवा रहे हैं ना कि शोएब अख्तर। अबे यार मुरलीधरन से याद आया, मैं उसको तो इतना बड़ा फैन हूँ,
कि मेरा दिल कर रहा है डिफेंस छोड़कर ना अख्तर कॉलोनी शिफ्ट हो जाए, अख्तर कॉलोनी, ये ऐसे ऐसे करके। बीबी जी इनको अख्तर कॉलोनी से वापस बुलवाएं, कसम से 3 दफा नाश्ता लगा चुका हूँ मैं टेबल पे। वैसे ही मम्मी जी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? वो कॉर्नर मीटिंग में गई है। अरे मैं मर गई, मम्मी जी इस उम्र में भी कॉर्नर में जाके मीटिंग करती है। अब क्या हो गया इन्हें? वो बॉलर ने बाउंसर करवाया है, उसी को अरबी में गालियां दे रहे हैं। ये ऐसे नहीं रुकेंगे, मुझे रुकना पड़ेगा। इमरान देखिए इनिंग डिक्लेयर हो चुकी है। तुम जैसे लोग अपने भांजे को बचाने के लिए ना यही करते हो। तुम्हारा भांजा आउट होता है और तुम अगली बॉल पे डिक्लेयर कर देते हो इनिंग, ताकि दूसरा बंदा अच्छा ना खेल सके। यार वैसे कैप्टन, ये तुमने अपनी मुझे क्यों क्लियर करवा ली? सब सही तो है। ये कैप्टन किसे कह रहे हैं और कौन सी मुझे? मेरी तो कोई मुझे नहीं है। अभी देखा कैप्टन? अबे बाबे कैप्टन तो बड़ा टाइट है हमारा, ये अभी देखा है मैंने। छोटी बीबी सारी चीजें उठा लूं? हाँ हाँ जल्दी से सब समेट लो भाई। मेरा सामान कहाँ है? आपका सामान ये रखा हुआ है। अच्छा वो निम्को मूंगफली चिप्स वगैरह वो आपके स्टेडियम में रखवा दिया, मेरा मतलब है स्टडी रूम में रख दिया है। और वो आइस क्यूब्स कौन रखेगा? मैं रखूंगा, पहले बोतल तो ले आऊं। अच्छा हाँ सुनो, बोतल जो है ना इस बार बड़ी वाली नहीं लाना, छोटी वाली लाना। ठीक। अरे फुरकानी क्या बातें हो रही है, और कोई बोतल वोतल नहीं लेकर आओगे तुम? यार तू जा, तुम्हें कहा ना कोई बोतल नहीं आएगी। ओ बीबी जी आप क्या समझ रही हो, मैं 3,000 वाली बोतल लेने नहीं जा रहा, 30 रुपए वाली बोतल लेने जा रहा हूँ। बाबा रोजाना नाश्ते के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। डाइट कौन बोलेगा? डाइट। अच्छा तो आज एक नहीं 2 लेकर आना भाई, हम भी ऐसे कर लें थोड़ी। अगर ये बात है तो 3 ले आता हूँ। वैसे बहू तुम्हारे मुंह से ये सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे इमरान में पहले से ज्यादा बेहतरी आ रही है। मम्मी जी अब आपको पता है बात बात पे ना आपके बेटे मुझसे शौहरों की तरह नाराज भी होने लगे। अब कहाँ है मेरा लाल? मम्मी जी वो मेरा वलीमे वाला पीला सूट इस्तरी कर रहे हैं। किसी पार्टी में जा रही हो? अरे नहीं ना। तो फिर अब वो ना अब आपके बेटे ना सुबह उठते हैं ना उसे पता नहीं अजीब अजीब बातें करने लगे। पता है मुझे क्या कह रहे थे? कह रहे थे सुनो अरुसा मेरी जान। मेरी मान कहा होगा। खैर आगे बताओ उसने क्या क्या फरमाइशी की तुमसे? मम्मी जी आपको यही तो मैं बता रही थी, आप बिना सुनती नहीं है। हाँ तो वो मुझे कह रहे थे अरुसा मेरी जान मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा अकीका कब हुआ और वलीमा कब, तो हम दोनों ना डिनर पे चलते हैं कहीं बाहर। तुमने कहीं मना तो नहीं कर दिया? मम्मी जी मैं किसी को मना करने वालों में से नहीं हूँ। तो बस इसी खुशी में मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। मम्मी जी मेरा आपको ना मशवरा है, आप किसी और के साथ डिनर पे जाएं, हमारे साथ नहीं। देखो रूसा अब तुम बहू वाले मशवरे देने लगी हो मुझे। मम्मी जी ये ना आपका वहम है, अभी तक आपके बेटे को ये नहीं मालूम कि ऐसे मौके पे अपनी बीवी से कैसे बात की जाती है। ऐसे ना कवालों की तरह कानों पे हाथ रखना पड़ जाए। हाँ मैंने तो सोच लिया ना। क्या मुझे नहीं बताओगी? कान इधर लेकर आए बताती हूँ। इस कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं, कोई तीसरा नहीं। अरे मम्मी जी आपको पता नहीं है इतवार के दिन सब लोग घर पे हैं। आप अपना कान इधर लाइए, कान में बताती हूँ ना, दीवारों के कान है सब सुनेंगे। बेशरम। क्या कहा आपने? मैंने अपनी पहली सेंचुरी कब बनाई? मैंने अपनी पहली सेंचुरी उस वक्त बनाई जी, नहीं नहीं नाई नहीं बनाई बनाई मैं कह रहा हूँ बनाई। कहाँ कहाँ से आ जाते मेरे इंटरव्यू लेने। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैंने अपनी पहली सेंचुरी उस वक्त बनाई जब कोई नहीं बनाता था, बस उन्होंने लगान में अंग्रेजों को डाल दिया था और बाद में अंग्रेजों ने हमारे 3 खिलाड़ियों को अंदर डाल दिया। अबे इधर किधर भाग रहा है, बाहर खड़ा हूँ ना, इधर नजर नहीं आ रहा तेरे को? यार माफ कर दे अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेना मेरे से। यार शर्त लगाई ना तूने, पैसे लेके आ मेरे, जा अभी नहीं है पैसे। जानता नहीं मेरे को तू? जानता हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। सलीम भाई बाद में ले लेना यार। बाद बाद में क्यों कहानी नहीं, पैसे लेके आ, पैसे लेके जाऊंगा मैं आज। गलती हो गई यार माफ कर दे, इंसान गलती का पतीला ही है ना। मैं बना दूंगा पतीला तेरे को, पैसे निकाल। अच्छा ठहर एक मिनट में लेकर आता हूँ। चला जा जल्दी। बाबा बाबा अल्लाह क्या हुआ? जल्दी से छुप जाओ, बाहर कोई लोग पकड़ने आए हैं आपको। कौन? अंग्रेज?
ग्रेज नहीं, अब टाइम नहीं है सवाल जवाब का, जल्दी से छुप जाओ। अबे यार अभी छपा है नहीं और लोग पहले से पकड़ने आ गए मुझको। ओहो गेट खुला हुआ है, वो लोग अंदर आ जाएंगे, जल्दी से छुपो। छुपे रहना, आता हूं मैं भगा के। हाँ हाँ जल्दी आना, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तुम अभी तक खड़े हो यार, मेरे कसम से दूध लेने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, तनख्वाह मिलेगी तो मैं दे दूंगा। दूध फ्री में लेके आएगा, पैसे निकाल दे। ठीक है यार, आइंदा मेरे बाप की तोबा है तेरे साथ। क्या कर रहा है इधर, एक तो दे दे मेरे पास है नहीं काम कर। कहाँ हो, कहाँ हो स्वीटी, स्वीटी कहाँ हो तुम? अरे स्वीटी कहाँ हो? ऑडियो कहाँ से आ रही है? स्वीटी आई, तुम कहाँ चली गई थी? अब मैं तो मम्मी जी के कमरे में थी, तुम मुझे ये बेड के नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? चलो बाहर आओ। नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा अभी बाहर, मुझे ना कुछ लोग पकड़ने आए और फुरकान उन्हें भगाने गए, जब तक वो नहीं आता ना उनको भगा के मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। वैसे ना ये जगह भी बुरी नहीं है। तुम कौन से रेलवे के मिनिस्टर लगे हुए हो जो तुम्हें लोग ढूंढते फिर रहे हैं? चले हाथ पकड़िए मेरा, बाहर आइए, उठिए। शुक्र है बड़ी मुश्किल से भगाया बच्चों को। किन बच्चों को? अरे उन्हीं बच्चों को जिनके साथ बाबा खेल रहे थे। लेकिन क्यों पकड़ने आए थे? तो बाबा कल बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, अपनी बारी पूरी की, गेंद छीनी और भाग आए। आपने ऐसा क्यों किया? ओ बस आ रही थी, अब नहीं आ रही। आओ आओ खेला बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खैरियत तो है मिसेस जज़ानी, आपने मुझे इतनी जल्दी जल्दी बुलवाया कि मैं ठीक से तैयार भी नहीं हो सकी। सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी स्कीम कामयाब हो गई। कौन सी स्कीम? मेरी तो बहुत सारी स्कीम है। मैं उसी स्कीम की बात कर रही हूँ जिसके तहत तुमने इमरान और उषा की शादी करवाई है। भाई वो तो सच पूछें डॉक्टर सिद्दीकी का मशवरा था कि शादी के बाद ज़्यादातर नफसियाती लोग नॉर्मल और नॉर्मल लोग नफसियाती हो जाते हैं। बस तो फिर इमरान कुछ कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। और उषा? उषा भी नॉर्मल है। सच पूछो शैला, उषा मेरे बेटे पर बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा। शैला तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं तो बस ज़रा फिक्रमंद हो रही थी। वो क्यों? बस मैं तो ये सोच रही थी कि ऐसे केसेस में ज़्यादातर तीमारदार मरीज और मरीज़ तीमारदार बन जाते हैं। भाई ये डॉक्टर सिद्दीकी का कहना है। अगर ये बात तुम्हारी यकीनी है तो मुझे अपने बेटे से ज़्यादा और उषा अजीज है। मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद उषा मेरे इमरान को संभाल लेगी। वाह मिसेस जज़ानी, आपकी बातें सुन के तो बहुत खुशी होती है। एक बिन माँ की बच्ची को आपने इतना सच्चा प्यार दिया है, यकीन नहीं आता। आपके कौल और फिल में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। तो बैठो, मैं तुम्हारे आने की इतला देती हूँ रूसा को। ओके गोल्ड रखो वापस, खबरदार तुमने बेईमानी की, सुना नहीं रखो वापस। हेलो क्या, थैंक यू सो मच जी जी। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी उनको लेके। हेलो हाफिज, मुबारक हो। क्या हुआ, किसी लेडी डॉक्टर का फोन था? नहीं डॉक्टर की क्यों कॉल होगी, क्रिकेट बोर्ड से फोन आया था, उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया। तुम्हारे नाना बू ने बुलाया? अरे नहीं नहीं क्रिकेट बोर्ड के सदर ने बुलाया है। तुम्हारे नाना बू भी तो क्रिकेट बोर्ड के सदर ही हैं। अरे हाँ सदर हैं, लेकिन वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं। भाई किस बात पे इतनी खुशी मनाई जा रही है? अम्मी जी बात इतनी खुशी वाली है, आपको पता है अभी क्रिकेट के सदर का फोन आया था, उन्होंने इन्हें ट्रायल में बुलाया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बस बेटा
जब से तुम्हारे कदम इस घर में आए हैं ना, मुझे लगता है मेरा हर दिन ईद का दिन होगा। अच्छा, तो अब हर दिन गले मिलकर ईद मनानी होगी। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, बेटा तुम्हारी शैला आंटी आई है, तुम जाकर उनके पास बैठो, उन्हें कंपनी दो, मैं तब तक चाय पानी का इंतजाम करवाती हूँ फुरकान से। जी। भाई उरूसा, मुझे तुम्हारे शौहर का तो नहीं पता, लेकिन तुमने अपनी सास पे कौन सा जादू कर दिया है जो तुम्हारी तारीफें करते करते थकती नहीं, बताओ ना। क्या बताओ शैला आंटी? वो सब कुछ बताओ जो आज तक तुमने किसी को नहीं बताया। मैं समझी नहीं। मुझे सब पता है, तुम समझदारों को भी समझाना जानती हो, चलो जल्दी बताओ शाबाश। अरे शैला आंटी, आपने मुझे किसी ध्यान में डाल दिया, कल जो वाकया हुआ ना वो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। कल ऐसा क्या हुआ है जो तुम कुछ नशर नहीं करना चाहती? कल ना मैं बिल्कुल अकेली थी। अकेली? बिल्कुल अकेली? अरे सिर्फ वहीं तक अकेली थी जहां तक मैंने आपको बताया है। अरे सुने ना आगे क्या हुआ, मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी, अचानक दरवाजा खुला और सामने इमरान, वो मुझे देख रहे थे, मेरे करीब आए और करीब आए और करीब आए और उन्होंने मुझे कैच ही कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, फिर पीछे से मम्मी जी की आवाज आ गई, उन्होंने हम दोनों को आउट कर दिया। हेलो। हाँ बेटा, क्या हुआ? आपका बेटा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया है, आपको मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हम बस घर आ रहे हैं, आप ना इमरान के वेलकम में कुछ ऐसा करें कि उसे ना फखर हो अपने सिलेक्ट होने पर। हाँ हाँ बेटा, मैं अच्छा से इंतजाम करवाती हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। फुरकान, फुरकान जी। बेगम साहिबा, हमारा बेटा पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हो गया। तुम जल्दी से जाकर मिठाई और हार फूल लेकर आओ। हार फूल और मिठाई? यकीनन आप किसी मजार पे जाके शुक्राने के नफिल पढ़ना चाहती हैं ना? हम अपने बेटे के गले में डालना चाहते थे। गले में? लेकिन ये बकरा ईद तो नहीं है। अच्छा, अभी गया और अभी आया। सुनो जी। जी, वो ढोल वाला नजर आए ना, उसे भी लेकर आना। ढोल वाला? अच्छा, वो गिन गिन अगिन पिट पिटा पिट, लो ये अभी लेकर आया। पर मेरा बेटा इमरान है कहाँ? लो आ गई मम्मी जी। इमरान, ये तुमने अपने क्या हुलिया बना रखा है? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम इमरान नहीं, इमराना। बहू ये क्या कह रहे? अरे मम्मी जी, मैं आपको समझाती हूँ, जब ये अपन टेस्ट देने गए ना, तो वहाँ सिलेक्टर ने कहा कि वुमेन क्रिकेट टीम में जगह खाली है, तो अब ये वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा है। अरे मम्मी जी, मैं तो आपकी बहू हमेशा ही रहूंगी ना। बहू, मुझे तुम पर बहुत फख्र है, काश तुम मेरा बेटा होती। बाबा, एक फैमिली पोज हो जाए। हाँ, 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 लाइए।